नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 जुलाई दिन शुक्रवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जदयू के ललन सिंह ने बीजेपी को दी चुनौती। मांझी ने तेजस्वी यादव के पुराने ट्वीट की दिलाई याद। इन मामलों पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। नित्यानंद राय ने नीतीश और तेजस्वी को बताया झूठा। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर कह दी ये बात। अब चलिए बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। बीजेपी के दावे से तुल पकड़ रहा बीजेपी नेता के मौत का मामला। बीते ही दिनों बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा राजधानी पटना में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने की खबर सामने आई। साथ ही इस प्रदर्शन के समय बीजेपी नेता व जहानाबाद के महामंत्री विजय सिंह की मौत हो गई। बता दें कि बीजेपी नेता की मौत का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा। इस मौत को लेकर पुलिस द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि बीजेपी नेता की मौत लाठीचार्ज के दौरान नहीं हुई है, न ही बीजेपी नेता के शरीर पर किसी प्रकार के चोट का निशान पाया गया है। पुलिस ने सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज का हवाला भी दिया है। वहीं भाजपा नेता द्वारा बताया जा रहा कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिस वजह से बीजेपी नेता की जान गई है। हालांकि मृत्यु की असल वजह क्या है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही साफ हो पाएगी। बता दें कि इस मामले में पटना के डीएम द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को इस मामले पर ठहराया जिम्मेदार। बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पटना में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान एक नेता की मौत का जिम्मेदार नीतीश कुमार को ठहराते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार के पास ही गृह विभाग है। यह जो घटना हुई है इसकी घोर निंदा करता हूं। आगे उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार होता है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने जुलूस निकाला था, सरकार के सामने अपनी बात रखना चाह रहे थे, आपने लाठीचार्ज को दिया, एक साथी की मौत भी हो गई, ये बहुत ही दुखदाई है। नीतीश कुमार क्या चाह रहे हैं, अब तो स्पष्ट हो गया है कि उनको लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री जी थक गए हैं, हार गए हैं, पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो सोचते थे ना हरिद्वार जाए तो वो जाए, अब उनके बस का कुछ नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार को लेकर कर दी भविष्यवाणी। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि पटना में विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर इस कदर लाठियां बरसाई कि एक कार्यकर्ता की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। इस दौरान पुलिस ने महिलाओं और सांसद विधायकों तक को नहीं बख्शा। साथ ही आगे की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इस घटना के बाद नीतीश कुमार की सरकार का जाना तय हो गया है। सरकार आंदोलनकारियों पर लाठी चलाना शुरू कर दे तो समझिए कि उसकी विदाई का समय तय हो गया है। जदयू के ललन सिंह ने बीजेपी को दी चुनौती। बीजेपी नेता के मौत को लेकर बिहार का सियासी तापमान बढ़ चुका है। अब इसी मामले को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट के जरिए बीजेपी को एक बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि जब विजय सिंह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे ही नहीं तो लाठीचार्ज में कैसे घायल हुए, गोदी मीडिया ने इसका संज्ञान नहीं लिया, जो कि संभव है क्योंकि मीडिया तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। गोदी मीडिया अफवाह फैलाने में बड़े झूठे पार्टी की सहयोगी है। अगर साहस है तो कोई श्री विजय सिंह पर लाठीचार्ज का वीडियो या साक्ष्य दिखाए। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही केंद्र सरकार। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी नेत केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही, पता नहीं क्यों केंद्र सरकार बिहार और बिहारियों से नफरत करती है, बिहार को केंद्र से कोई मदद नहीं मिल रही। आगे उन्होंने नीतीश कुमार की चर्चा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन एकजुट है और बीजेपी को करारा जवाब देने को तैयार है। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा का वर्ष 2024 में देश की सत्ता में आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। भाजपा को जनता सबक सिखाएगी, देश में अब मुद्दों की बात होगी, देश की समृद्ध विरासत को भाजपा खोखला करने में लगी है, इसका जवाब चुनाव में उन्हें जनता देगी। नित्यानंद राय ने नीतीश और तेजस्वी को बताया झूठा। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता के मौत को लेकर बीजेपी लगातार बिहार सरकार पर हमलावर है। अब इसी को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पीएमसीएच पहुंचे, जहां उन्होंने नेता और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश और तेजस्वी यादव झूठ बोलकर विजय सिंह की मौत को झुठलाना चाह रहे हैं। बिहार के शिक्षकों और छात्रों के लिए बीजेपी के जिला महामंत्री ने विजय सिंह ने अपनी आहुति दे दी है। पूरे बिहार के लोग सभी चीजों को देख रहे हैं। बीजेपी के सैकड़ों लोग लाठीचार्ज में घायल हो गए हैं। मार्च में शामिल बिहार की आम जनता भी घायल हो गई। कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले दागे गए। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी के जिला महामंत्री की मौत के बाद सरकार उसकी लीपापोती करने में लग गई है और कह रही है कि वे अचेतावस्था में मिले थे, लेकिन पुलिस की लाठी खाकर उनकी मौत हुई है। नीतीश और तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे। मांझी ने तेजस्वी यादव के पुराने ट्वीट की दिलाई याद। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के ट्वीट को याद दिलाते हुए कहा कि यह सरकार की थोथी दलील है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो हैं उनका ट्वीट देख लीजिए। उन्होंने कहा था कि हमारे राजद के कार्यकर्ताओं को लोगों ने पीटा था, हमारी सरकार आएगी तो इसका बदला हम लेंगे, तो उन्होंने अपना बदला ले लिया। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं पर कार्यवाही तेजस्वी यादव की तरफ से बदला लेने के लिए करवाया गया। आगे उन्होंने बीजेपी के एक सांसद की चर्चा करते हुए कहा कि पुलिस को जब सिग्रीवाल जी बोल रहे थे वह सांसद है तब
भी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। अगर उनके सुरक्षाकर्मी बीच में दखल अंदाजी नहीं करते तो उनकी भी हत्या कर दी जाती। वहीं खुद की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमको डंडा लगता तो जिंदा बचते क्या? जिस तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा था वो नियमों के अनुकूल तो नहीं माना जा सकता। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे बाबूलाल मरांडी। झारखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का विधिवत पदभार पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी स्नेह मिलन समारोह के दौरान 15 जुलाई को ग्रहण करने वाले हैं। बता दें कि बाबूलाल मरांडी को पदभार निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ग्रहण करवाने वाले हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा 4 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बदलाव करने की बात की गई थी। इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को दीपक प्रकाश की जगह प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो कि विधिवत रूप से 15 जुलाई को पद ग्रहण करेंगे। इन मामलों पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। बिहार में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं पर बिहार विधानसभा घेराव और हंगामे को लेकर मामला दर्ज हुआ है। जिन बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उसमें बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी, विधायक संजय सरावगी, सांसद सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ साथ 1000 अज्ञात लोग शामिल हैं। वहीं 59 नामजद इस मामले में अभियुक्त बनाए गए हैं। बता दें कि इन पर मामला आईपीसी धारा में दर्ज किया गया है, जहां आईपीसी धारा में हंगामा करने, सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों पर हमला करने, मिर्च पाउडर डालने, सड़क जाम करने, पथराव करने के साथ साथ बिना अनुमति के मार्च निकालने सहित कई गंभीर आरोप दर्ज हैं। आनंद मोहन के रिहाई को बिहार सरकार ने सही ठहराया। बिहार सरकार ने डीएम कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन के समय से पहले की रिहाई को सही बताया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने एक सुप्रीम कोर्ट हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि आम जनता या लोक सेवक की हत्या की सजा एक समान है। मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में बिहार सरकार द्वारा कहा गया कि उम्र कैद की सजा काट रहे दोषी को सिर्फ इसलिए छूट से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मारा गया पीड़ित एक लोक सेवक था। हलफनामे के अनुसार यह पाया गया कि एक लोक सेवक की हत्या के दोषी की आजीवन कारावास के समय पूर्व रिहाई पर विचार करने की अयोग्यता भारतीय दंड संहिता के तहत सामान्य रूप से हत्या के लिए निर्धारित सजा के अनुरूप नहीं थी। आगे हलफनामे में बताया गया कि प्रासंगिक रिपोर्ट अनुकूल होने के बाद आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया। बिहार सरकार द्वारा बताया गया कि आनंद मोहन ने अपने कैद के दौरान 3 किताबें लिखी और जेल में सौंपे गए कार्यों में भी भाग लिया। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार को लेकर कह दी ये बात। बिहार की राजधानी पटना में कल शिक्षकों के पक्ष में बीजेपी के द्वारा किए गए प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई घटना पर शुक्रवार को प्रतिक्रिया देते हुए जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में पटना में लाठीचार्ज करना नियम बन गया है। सरकार ने एक फिक्स्ड पैरामीटर बनाया है कि लोगों को डाक बंगला चौराहा, बेली रोड, हड़ताली चौराहे पर घेरो और लाठियों से पिटवाओ। मुख्यमंत्री या उनके मंत्रियों पर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब जो लाठी खाना है खा लीजिए। ये कहीं ना कहीं दिखता है कि नीतीश कुमार के दिमाग में बैठ गया है कि हम काम करें या न करें, जनता में कितना भी रोष हो कोई न कोई जुगाड़ लगाकर मुख्यमंत्री मुझको ही बने रहना है। कांग्रेस ने कहा बीजेपी आरएसएस की मुख्य यूनिट तो आप पार्टी आंतरिक यूनिट। अभी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दिल्ली में भी बाढ़ को लेकर स्थिति गंभीर है। इस स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अब इस मामले को देखते हुए कांग्रेस ने दोनों ही दलों को आड़े हाथों लिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जहां कई दशकों पहले की दिल्ली और आज की पानी से भरी दिल्ली की तस्वीरें थी। तस्वीर को शेयर करने के साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि आरएसएस हमें इतिहास में जाना चाहता है, इसलिए मोदी ने केजरीवाल के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया। कांग्रेस ने बीजेपी को आरएसएस की मुख्य यूनिट और आम आदमी पार्टी को आरएसएस की आंतरिक यूनिट भी बताया। अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर जदयू और माले हुए आमने सामने। महागठबंधन में मौजूद जदयू और माकपा माले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की महानता को लेकर बिहार विधानसभा में आपस में ही भिड़ते दिखाई दिए। दरअसल वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के लिए नीतीश कुमार की उपस्थिति में वाजपेयी सरकार की तरफ से किए गए आवंटन की प्रशंसा की। ठीक इसी वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर वाला पोस्टर महबूब आलम सदन में दिखा रहे थे। हालांकि इस वक्त स्पीकर अवध बिहारी चौधरी द्वारा उन्हें पोस्टर दिखाए जाने पर रोक लगा दी गई। बता दें कि आलम रहे थे कि केंद्र सरकार शिक्षा को तबाह करने में जुटी है। साथ ही उन्होंने मांग करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा यह प्रस्ताव पारित करे कि राज्य में नई शिक्षा नीति नहीं लागू होगी। वहीं माले विधायक दल के नेता द्वारा कहा गया कि वाजपेयी की सरकार ने सरकारी कर्मियों के पेंशन को समाप्त कर दिया था। 10 लाख नौकरी के वादे पर तेजस्वी ने कही ये बात। महागठबंधन की सरकार आते ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा 10 लाख नौकरी के वादे किए गए थे। इसे लेकर काफी सियासी हंगामा देखने को मिला। विपक्षी लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर पाई। अब इसे लेकर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन सरकार अपने वादे पर कायम है और 10 लाख नौकरी देने और इतने को ही रोजगार देने पर काम चल रहा है। 3 लाख पदों पर नौकरी का विज्ञापन निकाला हुआ है। पब्लिक हेल्थ कार्ड हम लोग लगा रहे हैं जिससे और भी नौकरी निकलेगी। संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस को लेकर कह दी ये बात।
महाराष्ट्र की राजनीति बयानबाजी को लेकर गरमाई हुई है। अब इसी बीच उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को लेकर कहा है कि इन दोनों ने कुल कूटनीति का बात की है कि हम एनसीपी के साथ गए हैं तो ये कूटनीति है। ढाई साल पहले हमने एनसीपी और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किया था वो क्या था? आप जो करे वो कूटनीति और हम जो करे क्या वो बेईमानी है? आप बेईमान है और आप जैसे लोगों को सत्ता से दूर रखने के लिए हमने भी 2019 में वही कूटनीति की थी जो आप अभी कर रहे हैं। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, जितेंद्र ठाकुर, दया शंकर, मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में महागठबंधन की सरकार अपने 10 लाख के नौकरी के वादे पर कितनी सफल रही? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।